हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ की इंग्लिश एंड ईकॉम बुक का चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल्ड में लाइन वाइज बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक डिटेल्ड वीडियो पहले से अपलोडेड है उसे देख सकते हैं। बच्चों, ये चैप्टर डिटेल में पढ़ने में ही आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, लेकिन क्योंकि आपके पास समय की कमी है और आप शॉर्ट समरी ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए आपको मैं ये चैप्टर जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। लेकिन अगर आपके पास जब भी कभी टाइम हो तो आप डिटेल्ड वीडियो जरूर से देखें ताकि आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत मजा आए। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि कहानी में क्या होता है। यहाँ पे एक बच्ची की कहानी दी हुई है जिसका नाम मृदु है। वो मद्रास की रहने वाली है। जब वो अपनी मामी के घर जाती है तो रुकुमनी यानी कि उसकी मामी जो है दरवाजा बहुत ही स्माइल करके खोलती है। तभी जल्दी से उसके जो भाई बहन है, कजन्स है, रवि और मीना, वो वहां पर आ जाते हैं और उसको जल्दी से ड्रैग करके खींच करके अपने घर के अंदर लेकर के जाते हैं कि चलो चलो कुछ दिखाते हैं। तो जब मृदु है वो कहती है भाई रुको जरा, मुझे अपनी चप्पलें तो उतार लेने दो। तो वो चप्पल जब उतार रही होती है तो देखती है कि वहाँ पे बगल में ना एक और चप्पल रखी हुई थी घर के पास ही, जो कि बड़ी गंदी सी लग रही थी और जिसपे ना वो बहुत पुरानी हो जाती है चप्पल, तो उस पर कैसे वो पंजों के निशान बने होते हैं, उस तरीके के निशान होते हैं और बहुत ही घिसी पिटी सी पुरानी सी चप्पल होती है। तो वो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो चली जाती है रवि और मीना के साथ। तो रवि और मीना उसको खींच करके बैकयार्ड में लेकर के जाते हैं जहाँ पे उन्हें सुबह एक बिल्ली मिली थी और उस बिल्ली को उन्होंने रखा होता है और वो उस बिल्ली को चुपचाप एक हाफ कोकोनट शेल में दूध पिला रहे होते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अगर वो अपनी बिल्ली को घर के अंदर लेकर के जाएंगे तो उनकी जो दादी हैं वो गुस्सा हो जाएंगी। जो रवि और मीना की दादी हैं और मृदु की नानी हैं वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगी और वो ना उनका घर छोड़ करके मामा दूसरे मामा के घर रहने चली जाएंगी, क्योंकि जो दादी है ना उनको ना कैट्स और एनिमल्स ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो रवि है वो मृदु को बताता है कि इसके लिए दूध लाना हमारे लिए कितना मुश्किल था। जब मैं किचन में गया और मैं दूध लेकर के आ रहा था तभी ना ग्लास में मैं जब दूध लेकर के आ रहा था तभी दादी आ गई और वो मुझे देखने लग गई कि मैं दूध लेके कहाँ जा रहा हूँ। तो मुझे उनको विश्वास दिलाने के लिए वो दूध पीना पड़ा कि भाई मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं दूध पी रहा हूँ। तो दादी खड़े होकर के उसको देखने लग जाती है कि चलो ठीक है जल्दी से दूध पी लो, फिर मेरे को ग्लास दे दो मैं धो दूंगी। तो फिर मैंने उनको कहा कि नहीं नहीं मैं खुद धो के रख दूंगा, आप क्यों परेशान हो रही हो। और फिर जब मैंने देखा कि दादी वहां से चली गई है तो मैं भाग करके आई, यहाँ पे मैंने कोकोनट शेल में दूध रखा इस बिल्ली के लिए और जाकर के ग्लास को धो के वापस किचन में रखा, नहीं तो दादी देखती हैं कि ग्लास वहां से गायब है और मैं भी गायब हूँ। तो उनको ना थोड़ा सा संदेह हो जाता कि मैं दूध लेकर के आखिर गया कहाँ हूँ, इसीलिए मैं जाकर के जल्दी से वो किचन में रख करके आ गया ग्लास को। फिर उसके बाद वो मृदु को बताते हैं कि हमने इस बिल्ली का नाम जो है वो महेंद्रन रखा है। तो मृदु कहती है ये तो किसी बिल्ली का नाम नहीं लगता, ये तो कोई इंसान जैसा नाम रखता है। तो वो कहता है, जो रवि होता है वो कहता है, अरे इसका हमने पूरा नाम रखा है महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नई, यानी कि इतना बड़ा नाम उन बच्चों ने उस बिल्ली का रखा होता है। और वो साथ में मृदु को बताते हैं कि जो बिल्ली है हमारी वो किस तरीके से ना पाल्लवास किंग की जो बिल्ली थी उन्हीं की एक पीढ़ी वाली बिल्ली है, यानी कि जो मेरी बिल्ली के एंसेस्टर्स थे वो पाल्लवास किंग के यहाँ रहने वाली बिल्लियों में से एक थे और बहुत ही फाइन प्रजाति की ये बिल्ली है हमारी। और फिर वो और लंबी चौड़ी बातें करते हुए उनको बताता है कि किस तरीके से पुराने जमाने में इटली में जो है वो कैट्स की पूजा की जाती थी और वहाँ पे किस तरीके से कैट गॉड्स होते थे और वो जो कैट गॉड्स होते थे उनमें से ही ना एक कैट जो है वो भाग करके पल्लवाज की शिप में घुस गई थी और जो वो पल्लवाज इंडिया आए तो उनके साथ ही वो बिल्ली भी इंडिया में आ गई और फिर महाबल्लीपुरम में वो वहाँ पे रहने लग गई उनके साथ और किस तरीके से उस बिल्ली की बहुत सारी पीढ़ियाँ वहाँ पे राजाओं के दरबार में रही और शाही बिल्ली बन करके उन्होंने अपना जीवन गुजारा और उनमें से एक बिल्ली भाग करके यहाँ आ गई है जिसको हमने पाल लिया और उसका नाम हमने महेंद्रन रखा है। और इस तरीके से वो लंबी लंबी बातें बताता है और अपनी बिल्ली की बढ़ाई चढ़ाई करता है कि भाई ये हमारी बिल्ली जो है इसके जो पूर्वज थे वो इजिप्ट के भगवान थे और इनकी यहाँ इंडिया में भी बहुत पूजा की जाती थी, पल्लवाज किंग जो है उनके यहाँ पर रहने वाली ये बिल्ली थी। इस तरीके से वो काफी सारी बातें बताता है। मृदु थोड़ा सा उसको भी मजे में सुनती है कि किस तरीके से वो अपनी बातें बता रहा है और अपने तरीके से उसका बिल्ली का कनेक्शन इजिप्ट की कैट्स के साथ जोड़ रहा है, तो वो भी इंजॉय कर रही होती है, वो भी कुछ नहीं कहती, वो बस सुनती है उनकी बातें कि किस तरीके से वो लंबी लंबी फेंक रहे हैं अपनी बिल्ली के बारे में। तभी उन्हें ना कुछ ऑफुल सी आवाज़ आती है, कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। तो जो मृदु है वो पूछती है कि ये क्या है, कैसी आवाज़ है। तो वो जो बच्चे हैं रवि और मीना वो उसको बताते हैं ये आवाज़ जो है वो लल्ली की आवाज़ है, लल्ली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है। फिर रवि और मीना मृदु को लेकर के उस कमरे की खिड़की के पास लेके जाते हैं जहाँ पे लल्ली जो है अपने मास्टर के साथ वायलिन बजाना सीख रही होती है और लल्ली को बिल्कुल भी वायलिन बजाना नहीं आ रहा होता और वो बहुत ही अजीब सी पोजीशन
वायलिन में बैठ करके वायलिन को अजीब तरीके से पकड़ के उसको बजाने की कोशिश कर रही होती है। जब उसके सर बजा रहे होते हैं तो उसमें से बहुत ही सुंदर सी आवाज़ आ रही होती है, ऐसा लगता है कि जो म्यूज़िक है वो बिल्कुल एकदम पटरी पर एकदम ट्रेन की तरह एकदम चले जा रहा है स्मूदली। और जैसे ही लल्ली बजाना शुरू करती है तो लगता है कि जैसे वो रेलगाड़ी जो है वो एकदम पटरी से उतर गई है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। मतलब इस तरीके से इतना बकवास तरीके से वो सुर को बजा रही होती है। और ये बच्चे जब वहाँ पे देख रहे होते हैं उस कमरे में, तो ये जो सर हैं इनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ऊपर से गंजे हैं और साइड साइड में उनके बाल हैं और वो पतले से हैं आदमी हैं, और उनका वायलिन बजाने का जो तरीका है वो कितना अच्छा और कितना सुरीला है। तो इस तरीके से यहाँ से डिस्क्राइब किया होता है बच्चों को। ये जो सर होते हैं इनका सिर्फ सर दिख रहा होता है, बैक साइड दिख रही होती है, आगे से सिर्फ उन्हें लल्ली दिख रही होती है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। फिर क्या होता है, तभी वो बच्चे जो हैं अपनी गार्डन के पास ही बैठे होते हैं, तभी एक ना आवाज़ आती है एक भिखारी की, जो कि भीख मांगने आया होता है। और वो नॉर्मली यहाँ पे रोज़ आ जाता है भीख मांगने के लिए, तो उसकी मम्मी जो है वो गुस्सा हो जाती हैं और रवि को बोलती हैं कि उसे यहाँ से भगा दो, उसको कह दो कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है उसको देने के लिए, वो यहाँ से चला जाए। तो जब तक वो जो भिखारी होता है उसने वो आवाज़ सुन ली होती है रवि की मम्मी की, तो वो भी वहाँ से जाने लगता है। तो वो जो मृदु और रवि और मीना है वो नोटिस करते हैं कि उसके पैर में तो बिल्कुल ही चप्पल नहीं है और इतनी धूप इतनी गर्मी हो रही है। वो रोड पर जाएगा तो तारकोल से बनी वो जो रोड है उसके नंगे पैरों को बिल्कुल ही छाले से भर देगी और उनके पैरों में बिल्कुल छाले हो जाएंगे। तो फिर वो जो मृदु है वो मीना और रवि से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल नहीं है घर में कि हम इसको गिफ्ट दे दें, मतलब हम इसको दान में दे दें। तो तीनों बच्चे जो हैं वो घर में चप्पल ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मृदु को याद आता है कि जब वो घर में उसने एंट्री करी थी तो उसने एक पुरानी सी गंदी सी चप्पल देखी थी जो कि इस तरीके से बहुत ही पुरानी थी, उसमें पंजों के निशान बने हुए थे। तो वो ना चप्पल को उठा करके लाते हैं और उस भिखारी को चप्पल दे देते हैं, और भिखारी भी वो चप्पल को पा के बहुत खुश होता है और जल्दी से पहन करके वहाँ से चला जाता है, दौड़ करके वहाँ से चला जाता है। अब उसे खुशी मिल गई होती है क्योंकि उसे अब गर्म रोड पर नंगे पाँव नहीं चलना पड़ेगा, तो वो पुरानी ही सही लेकिन उस चप्पल को पा के बहुत ही खुश होता है। तभी जब वो भिखारी चला ही गया होता है तब तक पीछे देखता है वो बच्चे कि ना जो लल्ली का क्लासेस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और लल्ली के जो टीचर हैं वो कुछ ढूंढ रहे हैं और लल्ली भी उनके साथ कुछ ढूंढने में उनकी हेल्प कर रही होती है। तो वो लोग देखते हैं कि क्या दिक्कत है भाई, वो क्या ढूंढ रहे हैं, और उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती है। तभी लल्ली जो है वो अपनी मम्मी को और अपनी पाती को बुला करके ले आती हैं, तब वो लोग आ करके वो लोग भी ढूंढने लग जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे कैसे यहाँ से गायब हो सकती है, यहाँ तो बहुत सारे वेंडर्स आते हैं लेकिन आज तक तो कभी कोई चोरी नहीं हुई, तो कहाँ चले गए। तभी जो रुक्मणि है वो देखते हैं कि रवि मृदु और मीना ना बड़े चुपचाप तरीके से पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और ये क्यों बैठे हैं इस तरीके से, इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि यहाँ पे हम लोग कुछ ढूंढ रहे हैं वो हमारी मदद कर दें। तो वो ना उनकी तरफ बड़ी सस्पिशियस नज़र से देखती है। तो मृदु जो है वो सोचती है कि अगर मैं बता दूँ कि आखिर में वो चीज़ जो है जो इन्हें ढूंढ रहे हैं वो कहाँ गई है तो शायद हमें इतनी डांटनी पड़ेगी। तो मृदु जो है वो रुक्मणि को बता देती है कि हमने वो जो चप्पल थी मास्टर जी जो चप्पल ढूंढ रहे हैं अपनी चप्पल, वो हमने एक भिखारी को दान में दे दी है क्योंकि वो बेचारा इतनी गर्मी में नंगे पैर सड़क पर चल रहा था और उसको पैर में छाले पड़ जाते, इसलिए हमने उसको वो चप्पल दे दी है। और यहाँ पे म्यूजिक मास्टर कह रहे होते हैं कि मेरी वो जो चप्पल है वो नई एकदम चप्पल थी और मैं उसको एकदम बाजार से भी नया खरीद के लेकर के आया था और वो बहुत ही महंगी चप्पल थी। इस तरीके से वो अपना बखान कर रहे होते हैं अपनी चप्पल का। तो फिर जो अम्मा है यानी कि रुक्मणि और अम्मा है वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, और रुक्मणि जो है वो घर के अंदर जाती है, एक नए चप्पल का पेयर जो उनके घर में रखा होता है गोपू मामा का वो ला करके उस मास्टर जी को पहना देती है और कहती है आप प्लीज़ इसे पहन लीजिए और उस चप्पल को भूल जाइए, बच्चे मेरे बहुत ही शरारती हैं बहुत ही नॉटी हैं कि उन्होंने आपकी चप्पल जो है वो भिखारी को दान में दे दी। और तभी टीचर भी जो है वो भी बोलने लगते हैं कि हाँ बच्चे आजकल के बहुत ही शरारती हो गए हैं, बिल्कुल हनुमान जी की तरह एकदम ही नॉटी हो गए हैं, इस तरीके से वो बोलते हैं। तो रुक्मणि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे को कोई बंदर के से कंपेयर कर रहा है, चाहे वो बंदर हनुमान जी जैसा पवित्र बंदर ही क्यों ना हो लेकिन बंदर बोल रहे हैं तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो बस मास्टर जी को कहती है अच्छा ठीक है धन्यवाद अब आप जा सकते हैं और आपको प्लीज़ उस चप्पल के बारे में भूल जाइए, इस तरीके से वो मास्टर जी को वहाँ से भेज देती हैं। और वो लोग घर में अंदर आ जाते हैं और रुक्मणि बच्चों से बोलती हैं कि अब मामा आएंगे और अचानक और वो मुझसे पूछेंगे कि मेरी
मेरी चप्पल कहाँ गई, तो फिर मैं क्या बताऊंगी उन्हें कि आपके आप लोगों ने म्यूजिक टीचर की चप्पल जो है वो भिखारी को दान में दे दी थी और फिर उस वजह से मुझे उनकी नई चप्पल को म्यूजिक टीचर को देना पड़ गया। तुम बच्चे भी ना बहुत शरारती हो गए हो। तो इस तरीके से कहानी खत्म हो जाती है। आई होप बच्चों आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाला बेल दबाना मत भूलिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बच्चों इस चैप्टर में काफी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं और साथ में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsol.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।